पार्टी लेना क्या मेरा सारे इवेंट्स करते हैं और इतनी जगह जाते हैं, लेकिन आज मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मुझे पता है कि ये ब्रांड है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. एटलीस्ट किसी इवेंट पे झूठ नहीं बोलना पड़ता कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जेन्युइनली बिलीव कर दो कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड इट्स ब्यूटीफुल. आप अगर मेरे मैनेजमेंट से पूछोगे तो वो बताएंगे टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स ऑब्वियसली एब्सोल्युटली क्रूशियल एंड आई ऑलवेज हैव अ वॉच ऑन माई हैंड व्हेनेवर आई एम नॉट शूटिंग. एंड नहीं होता तो हम लोग फोन्स में चेक कर रहे होते हैं. सो इट्स रियली कूल दैट आई कैन हैव अ लाइट फास्ट फ्री वॉच ऑन माई रिस्ट एंड नॉट रियली वरी अबाउट हाउ इट्स लुकिंग, इज इट गोइंग विद माई आउटफिट, ला ला ला, आई डोंट हैव टू थिंक. एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट. एवरी 10 मिनट्स आई लुक एट माई वॉच एंड लुक अभी मैं यू नो प्लान के हिसाब से जा रही हूँ. सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छा सवाल है. इवन तो मैं लड़की हूँ एंड यू नो लड़कियों को सजने धजने का बहुत शौक होता है, दे रियली इन्जॉयड. लेकिन हम लोग एक्चुअली शूटिंग पे इतना ज़्यादा रेडी होते हैं कि जब मैं शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ आई जस्ट डोंट फील लाइक गेटिंग रेडी. आई लाइक टू कीप इट रियली रियली सिंपल. सो आई वेयर वेरी फ्यू थिंग्स, स्मॉल इयर रिंग्स, जस्ट वन रिंग, जस्ट स्मॉल थिंग्स. बट अदरवाइज यू नो मी, आई एम वेरी स्पॉटी एंड आई यूजली वेयर you know just my gym clothes or you know just something really chill. So yeah, very few watch. agar hum kehne ya favorite watch model kaun sa hota hai actually jo maine abhi pehna hua hai wo sabse acha hai isko bolte
तुम मुझे देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ ये देखो, एक्चुअली जो सबसे फेवरेट मॉडल था वो मैं आज ही पहन के आ गई हूँ. ये रोज गोल्ड कलर में है. इट्स कॉल्ड मेल रोज पेटीट. सो इट लुक्स रियली कूल. इट लुक्स मिनिमल. इट लुक्स रियली फैशनेबल एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट. सो आई कैन वेयर दिस इन द डे, आई कैन वेयर दिस इन द नाइट. सो इट्स रियली कूल. आई रियली लाइक इट. और जैसे मैंने इन लोगों को भी बोला था कि मैं यही पहन के घर चली जाऊंगी और फिर घर जाके एक्टिंग करूंगी, वो मैं गलती से पहन के आ गई. ऐसा करने वाली हूँ मैं. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट एनी थिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट. दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. आई नीड टू, इट नीड्स टू कम फ्रॉम माई हार्ट. आई थिंक ऑन माई सोशल मीडिया, इन माई फिल्म्स, इन माई इवेंट्स, एनी थिंग, इट हैज़ टू बी वॉट आई फील. आई कांट फेक इट एंड आई कांट लाई अबाउट थिंग्स. सो आई ऑलवेज चूज एसोसिएशंस फॉर विच आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर आंसर्स, फॉर विच आई विल नॉट हैव टू, यू नो, like I said, fake it. So for me, it's very important that this watch and I, or this brand and I, sorry, at least in the way we speak, I speak to my audience and the brand speaks to their customers, it's very honest, it's very superfluous, it's not really an official endorsement kind of a thing. So I really like that that honesty approach to selling a product. But when we talk about a product, how do you judge it? एक्चुअली ये मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ कि कई बार कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो हमेशा एक्टर का नाम लिया जाता है. लेकिन आई थिंक पीपल फॉरगेट दैट वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं एक्टिंग का या उसको उस बात को फैलाने का इंडिया में और दुनिया में. दे आर नॉट द रीज़न, दे आर नॉट क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वी आर डूइंग आर जॉब. हाउएवर किसी भी बिजनेस डील की तरह मेरे पास भी एक लीगल टीम है, एक बिजनेस टीम है, एक पीआर टीम है. वो सब अपना होमवर्क करते हैं और मैं शूटिंग के दिन पे आके अपना काम आसानी से कर सकती हूँ. बट मैं येस ऑफकोर्स मैं रिसर्च करती हूँ एंड लाइक आई सेड, इफ आई बिलीव इन द प्रोडक्ट आई विल बी एसोसिएटेड विद इट, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल. आपको लगता है कि वो फिल्मों के बिना जाने देंगे मुझे? डू यू थिंक सो? हाँ. नमस्ते इंग्लैंड के बारे में अगर आपको बता. ये फाइनली, सो टुडे इज द 17th. आई एम स्टार्टिंग ऑन द 21st. आई एम वेरी एक्साइटेड. In just like 3-4 days, we're leaving and we're starting in Amritsar. And we'll shoot in Amritsar, Patiala and Ludhiana. And then I'll move to London and shoot the second schedule. And I'll also be shooting Kesari at the same time because they've already started shooting. So I'll have to manage both the films together. But I'm really excited. Thank you. Thank you. One last question. Come. ओह वाओ, ऐसे तो बहुत सारी है यार. एक नाम नहीं ले पाऊंगी मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सच बताऊं तो थोड़ा टाइम भी हो गया मेरे को किसी फिल्म देखने, बिकॉज आई हैव बीन रियली बिजी, सो आई हैवन हैड द टाइम. बट नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल टेल यू. थैंक यू गाइस. चलो भागो भागो, ट्रैफिक से पहले भाग जाओ. चलो चलो चलो. थैंक यू फॉर